जयमा का मख्या, 64 योगिनी, इनको सिद्ध कैसे किया जाता है और कौन कौन सी 64 योगिनियां हैं। तंत्र में जिनको सिद्धि लेना होती है उनको योगिनियों से भी पाला पड़ता है। बहुत सारी योगिनियां होती है पर कुछ व्यक्तियों को योगिनियों के नाम भी नहीं मालूम। इन योगिनियों को कैसे सिद्ध किया जाता है? यदि कोई भी मनुष्य गुरु के सानिध्य में दूज, छठ और चतुर्दशी एक महीने में एक पक्ष में 3 बार आती है, कृष्ण पक्ष में दूज, कृष्ण पक्ष की छठ और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की दूज, शुक्ल पक्ष की छठ और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 एक माह में 6 बार ही आते हैं, यानी एक साल में 72 बार यदि कोई मनुष्य दूज, छठ, 14 के दिन बिना नागा के, बिना ब्रेक के शमशान में रात्रि में हवन कर लेता है, यानी 12 बजे से 3:45 के बीच में, तो उसको 64 योगिनी में से कोई न कोई योगिनी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। या फिर चंद्रग्रहण होता है रात्रि में पूर्णिमा के दिन, उस चंद्रग्रहण के समय पे 64 योगिनियों का वो हवन करे, सूर्य ग्रहण के समय पे 64 योगिनियों का हवन करे, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में 64 योगिनियों का हवन करे, या सूर्य ग्रहण के दिन नदी में बैठ करके इनके नाम का जप कर ले तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब कौन कौन सी योगिनियां हैं? अब मैं नाम बताने जा रहा हूं। डाकिनी योगिनी, निशाचरी, भैरवी, हुंकारी, भयंकरी, तारा, रुद्रवेताली, खरपरी, भूतयामिनी, काली, कालरात्रि, कपालिनी, कंकालिनी, क्रोधा, कलहप्रिया, कालाग्नि, कपाला, कामुकी, कामाक्षे, कपोतिकाय, सुराप्रियाय, करालाय, यमजुत्ती, प्रेतभूषणी, प्रेतवाहनाय, रक्ता योगिनी, मांस भोजनी योगिनी, रुधिर पाहिन्य योगिनी, गर्भभक्षा योगिनी, शवहस्ताय, पाशहस्ताय, दंडहस्ताय, भक्षिणी योगिनी, यक्षिणी योगिनी, मुंडधारणी योगिनी, दुर्मुखी, ललजिह्वाय, अट्टाहसाय, मारिकाय, वीरभद्राक्षी, धूम्राक्षी, प्रेताक्षी, भद्राक्षी, घोर रक्ताक्षी, चंडी, चंडिका, चामुंडा, चंडोमा, उग्रचंडा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडविक्रमाय और प्रचंडाय। ये 64 योगिनियां हैं जो शमशान में अवस्थित रहती है। इसके अलावा 64 योगिनी और भी हैं, दिव्य योगा, महायोगा, सिद्ध योगा, गणेश्वरीय, गजाननाय, ब्रह्माणी, इंद्राणी, वैष्णवी, दुर्गाय, नारसिंही, वाराही, कुमारी, शैलपुत्री, चंडघंटा, स्कंदमाता, कुष्मांडा, कात्यायनी, महागौरी, सिद्धिदात्री, महानिद्रा, शाकंबरी, भीमा, शांता, अंबिका, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, महोदरी, घोर रूपा, क्षेमकारी, महामोहा, रोद्री, भ्रामरी, रुद्राणी, अपर्णा, उमा, विजया, जया, मातंगी, मगलामुखी, शिवदुत्ती, वाराही, महेश्वरी, शांकरी, जयंती, सरमंगला, शिवा, मेघा, भुवनेश्वरी, प्रियंकरी, बलविकर्णी, बल प्रमथिनी, मनमोथिनी, सरभूत यक्षिणी, कुंड लक्ष्मी,
जूही, लक्ष्मी, करालिनी, केशिका और विशाला। इसके अलावा कुछ और शास्त्रों में एक प्रकार की और योगिनी दी गई है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कई 64 योगिनियां हैं। गजाननाय, सिंहमुख्य, गृदास्याय, काकतुंडिकाय, उष्टग्रीवाय, हयग्रीवाय, शर्वणनाय, उलुकिकाय, शिवारावाय, मयूरवे, विकटनाय, अष्टवक्राय, कोटराक्षे, कुब्जाय, विकटलोचनाय, शुष्कोदरिये, अश्वद्रष्टाय, वानरानाय, रुसाक्षे, केकराक्षे, बृहत्तुंडाय, शुक्ने, शेन्वे, शिशुग्ने, पापहंत्रे, वसाधराय, आंध्रमालिनिये, स्थूलकेशे, बृहत्कुक्षे, सर्पाश्याय, दंतशुक्राय, क्रोच्चे, मृगशीर्षाय, वृषाननाय, व्यात्तास्थाय, धूम्रनिश्वासाय, तापिन्य, शोषणी दृष्टिय, स्थूलनासिकाय, मार्जार्ये, कठपूतनाय, मृगाक्षे, मृगलोचनाय, व्याघ्री, उर्ध्वकेशी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, फेतकारी, चक्रपाणी, कंटकी, दीर्घलंबोष्टी, मालिनी, मंत्रयोगिनी, चक्री, यंत्रवाहिनी, धुर्जटी, विकटी, घोरा और लांगली, और आखिरी में है व्योमक चरणों उर्ध दृश्य योगिनी है। इन सब योगिनियों का बार बार नींबू से, नारियल से, काले तिल से, उड़द से, पीली सरसों से, लौंग से और जायफल से हवन करने पर यह बहुत प्रसन्न होती है। अगर ये सब सामान का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो खीर से हवन करें। घी, शहद और दूध मिलाकर के त्रिमधु से हवन करें तो ये बहुत जल्दी सिद्ध होती है। हलवे से हवन करें तो और ज्यादा प्रसन्न होती है। यदि ये हवन शमशान में किसी जलती चिता के ऊपर किया जाए तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। पर यह सब कार्य गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से परमिशन लेकर के करें। अन्यथा आपको कष्ट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है और तरह तरह से व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। सजग रहे, जागृत रहें, दिल दिमाग को खुला रखें और यह सब सिद्धियों का काम गुरु के निर्देशन में, गुरु के आदेश से ही करें। ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से ये गुरु के मंत्र बोलते हुए 64 योगिनियों का हवन किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।